गुड मॉर्निंग सत्यकाल आदाब नमस्कार कैसे हो आप लोग और यस जय हिंद और जय हिंद टॉपिक क्या टौपिक बहुत है टॉपिक प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड है प्रोस्टेट ग्लैंड जो आदमियों में होती है मेल्स में होती है आ, आपके ब्लैडर के नीचे यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो हमारे पेशाब को कंट्रोल करती है उसके फ्लो को कंट्रोल करती है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है और लोग कंप्लेन करते हैं सर पेशाब की धार ठीक से नहीं आ रही पेशाब बार बार आता है पेशाब में वो बात नहीं रही अब जोर लगाना पड़ता है रात को भी उठना पड़ता है चार चार बार तो ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के जो जिसको बोलते हैं बिनाई हाइपरप्लेजी ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज प्रोस्टेट कैंसर की और उससे जुड़े हुए एक टेस्ट की जी हाँ प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बहुत कॉमन कैंसर है मेल्स में और अर्ली डायग्नोस कर लें तो ये एक ऐसा कैंसर है जो ठीक हो सकता है ये मैं आपको बता दूँ और दो तरह के प्रोस्टेट कैंसर होते हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और एक वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं तो ज़्यादातर कैंसर होते हैं जो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और जनरली ठीक हो जाते हैं क्योर हो जाते हैं लेकिन आज मैं बात प्रोस्टेट कैंसर के तो बारे में सिर्फ एक उसके टेस्ट के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है प्रो पी एस ए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो कि पाया जाता है सीमन में पाया जाता है ब्लड में पाया जाता है पी टेस्ट कराया जाता है स्क्रीनिंग के लिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर होता है कासिनोमा प्रोस्टेट या प्रोस्टेट कैंसर उसका स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको जल्दी से डायग्नोज करने का एक टेस्ट है ब्लड टेस्ट जिसको बोलते हैं पी एस ए पी एस ए दो तरह का होता है टोटल पी एस ए और फ्री पी एस ए हम जनरली पहले पी एस ए टेस्ट कराते हैं और फ्री बाद में फ्री पी एस ए भी करा के देखते हैं कि क्या इसको प्रोस्टेट कैंसर का आ, कुछ चांसेस है या नहीं है जनरली पी एस ए बढ़ जाता है प्रोस्टेट कैंसर में लेकिन कुछ और कारण भी होते हैं पी बढ़ने के जरूरी नहीं कि आपने पी टेस्ट कराया तो अगर बढ़ा हुआ आ गया तो कैंसर ही होगा और भी बड़े सारे कारण होते हैं इसलिए जानना जरूरी है कि और क्या कारण होते हैं पी बढ़ने के और प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करने के अर्ली डायग्नोसिस में से दो ही बड़े टेस्ट होते हैं एक तो होता है पी ब्लड टेस्ट दूसरा होता है पर रेक्टल एग्जामिनेशन यानी डॉक्टर ग्लव्स पहन के आपकी लेटरिन के रस्ते डाल के प्रोस्टेट ग्लैंड को फील करता है पता लगाता है क्या वो हार्ड है क्या बड़ी हो गई है तो वहां से भी पता लग सकता है तो ये दो टेस्ट ही होते हैं एक पी और एक होता है परेक्टल एग्जामिनेशन लेकिन ऐसी और कौन सी बीमारियां हैं जहाँ पे पी बढ़ जाता है कैंसर के अलावा एक होती है मैंने ऑलरेडी बताई बी पी एच ऑफ द प्रोस्टेट जो बहुत कॉमन बीमारी है नंबर वन नंबर टू इन्फेक्शन यूरिनरी इन्फेक्शन में भी बढ़ सकता है प्रोस्टेट के इन्फेक्शन में भी बढ़ सकता है ठीक है तीसरा एजिंग एज के साथ साथ प्रोस्टेट जो सरफेस एंटीजन है ये टेस्ट जो है पी एस ए एज के साथ भी बढ़ता जाता है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद अगर टेस्ट कराओगे तो भी ये बढ़ सकता है कोई सर्जरी के बाद भी ये बढ़ सकता है स्पेशली प्रोस्टेट की अगर सर्जरी कराई है उसके बाद भी ये बढ़ सकता है प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाए तो भी ये बढ़ सकता है प्रोस्टेट में इन्फेक्शन मैंने पहले बताया एनल सेक्स करने के बाद भी ये बढ़ सकता है तो और भी बड़े सारे कारण मैंने बताया जहाँ पर पी बढ़ सकता है अब करें क्या अब आप टेस्ट कराने गए और कौन सी एज में इसका टेस्ट कराना चाहिए स्क्रीनिंग करानी चाहिए जनरली ये देखा गया है कि 40 से 50 साल की उम्र तक ये कैंसर बहुत रेयर है 50 साल के बाद इसके चांसेस शुरू होते हैं जो मैं कराता हूँ स्क्रीनिंग हम लोग 50 साल से 70 साल के बीच में स्क्रीनिंग कराते हैं जनरली ठीक है और इसकी वैल्यू भी एज के साथ साथ चेंज होती रहती है नॉर्मल वैल्यू एक फिक्स वैल्यू नहीं है एज के साथ इसकी वैल्यू है जो कि चेंज होती रहती है और अगर आप आप अपने पी एस ए टेस्ट कराए और बढ़ा हुआ आ गया तो आप क्या करेंगे या आपके डॉक्टर को क्या करना चाहिए स्पेशली जूनियर डॉक्टर से पहली चीज़ तो पी एस ए अगर बढ़ा हुआ आया है और अगर आपको कोई डाउट है कि कोई पेशेंट को इन्फेक्शन है कोई सिम्टम इस तरह के हैं उसको फीवर है या प्रोस आ, एक आ, पेन है नीचे तो एक एंटीबायोटिक का कोर्स करके एक एंटी एंटीफिलेमेटिक का कोर्स करके पंद्रह बीस दिन के बाद रिपीट करा के देख सकते हैं पी एस से कि क्या कम हुआ या नहीं हुआ ठीक है नंबर एक और प्रोस्टेट ग्लैंड जो पी एस ए टेस्ट है खाली पी की वैल्यू नहीं उसकी वेलोसिटी यानी कितनी तेजी से वो बढ़ रहा है या कितनी तेजी से कम हो रहा है वो भी इम्पोर्टेंट होता है पीएसए तो आज हम बात करेंगे कि एज और इसकी फायदे तो यही है कि अर्ली डायग्नोसिस आप कर सकते हो पी अगर बढ़ा हुआ आ गया तो आप जल्दी और टेस्ट करा के पता लगा सकते हो कि आपको कैंसर है तो किस स्टेज का कैंसर है तो अर्ली डायग्नोसिस होगी अर्ली ट्रीटमेंट होगा तो पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं मैं फिर बोल रहा हूँ प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो ठीक हो जाते हैं पेशेंट ठीक है नुकसान क्या है पहली चीज़ बहुत एक्यूरेट टेस्ट नहीं है हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट नहीं है और डॉक्टर अगर उसको ठीक से आ, उसको ठीक से आ, क्या बोलते हैं उसको उसका अंदाज़ा ना लगा पाए कि इस प्रोस्टेट पी एस ए का बढ़ने का कारण क्या है तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है क्योंकि आपका पी एस ए थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ गया बॉर्डर लाइन आ गया और आपने अगर पेशेंट को ये डाउट डाल दिया कि वो कैंसर है बिना कन्फर्म किए हुए क्योंकि कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है सिर्फ एक डाउट पैदा करते हैं कि हाँ जी इसको कैंसर हो सकता है कन्फर्मेट्री नहीं है मैंने बताया कुछ और कंडीशन में भी पी एस ए टेस्ट बढ़ जाता है तो अगर आपका पी एस ए बढ़ा हुआ आ रहा है तो फ्री पी एस ए नाम का टेस्ट भी कराएं क्योंकि बॉडी में जो पी एस ए होता है एक तो प्रोटीन बाउंड होता है जो टोटल पी एस एम कराते हैं एक फ्री पी एस ए भी होता है तो फ्री पी एस ए अगर कम आता है अगर पी एस ए ज्यादा है और फ्री पी एस ए कम है तो कैंसर के चांसेस होते हैं पी एस तो दोनों उल्टे हैं पीएसए बढ़ जाता है कैंसर में और फ्री पी एस ए कम हो जाता है तो दोनों की रेशो देखनी होती है ठीक है तो जितना फ्री पी कम होगा उत और पी ज़्यादा होगा उतना ही कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अननेसेसरी पी बढ़ गया और आपने बाइपसी के लिए पेशेंट को बोल दिया बाइपसी कराओ बाइपसी कराओ पहले थोड़ा सा कन्फर्म कर लें थोड़ा सा और टेस्ट करा के देख लें यूरिन टेस्ट करा लें यूरिन रूटीन करा लें प्रोस्टेटिक फूड का एग्जामिनेशन भी कराया जा सकता है यूरिन कल्चर भी करा के देख सकते हैं और भी कारण देखने पड़ते हैं पेशेंट का और रिपीट करा के देख लें पी एस ए दिन के बाद और किसी ऑथेंटिक लैब से कराएं बेटर होगा ठीक है तो एक पेशेंट के मन में भी वहम आ सकता है अब आपने उसका पी एस ए बढ़ा हुआ निकाल दिया लेकिन वापसी नॉर्मल आ गई तो उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है कि मेरा तो पी एस ए बढ़ा हुआ था तो कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं या पी एस ए से जुड़ी पर ये डॉक्टर का काम है उसको ठीक ढंग से बताना आ, अगर नॉर्मली मैं बताऊँ तो एज के हिसाब से कितना होता है एक आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप देख लीजिएगा फोर्टी टू फोर्टी नाइन के बीच में जीरो से टू पॉइंट फाइव उसके बाद एक एक पॉइंट बढ़ाते जाइए फोर्टी टू फोर्टी नाइन ज़ीरो से टू पॉइंट फाइव तक पचास से उनसठ साल तक थ्री पॉइंट फाइव साठ से उनहत्तर साल तक फोर पॉइंट फाइव और सत्तर के बाद सिक्स पॉइंट फाइव तक भी पी एस ए नॉर्मल हो सकता है तो एज के साथ बढ़ता बढ़ा हुआ बढ़ता जाता है लेकिन मोटा मोटा बता बताएँ अगर चार से कम है तो पी एस ए नॉर्मल है चार से दस है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट होते हैं कैंसर के और 10 से ऊपर है तो 50 परसेंट चांसेस होते हैं कैंसर के ठीक है 10 से ऊपर है ये एक मार्कर है सिर्फ स्क्रीनिंग मार्कर है ये डायग्नोसिस नहीं बनाता है सिर्फ एक डाउट को थोड़ा सा डाउट पैदा करता है कि हाँ इस पेशेंट को कैंसर हो सकता है अगर इसका पी से थोड़ा बढ़ा हुआ अगर है तो लेकिन मैंने और कारण भी बताया आपको पी कुछ और बीमारियों में बढ़ जाता है ठीक है और मैं जनरली क्या करता हूँ मैं एंटीबायोटिक का एक कोर्स करा के पंद्रह बीस दिन के बाद दोबारा कराता हूँ और फ्री पी से भी करा के देखता हूँ और सर्जन से भी एक बार मैं बोलता हूँ कि एक बार पर रेक्टल एग्जामिनेशन इसका करके देख लिया जाए वैसे एम स्टूडेंट्स को भी आना चाहिए पर रेक्टल एग्जामिनेशन पर मैं सर्जन की ओपिनियन ज़रूर लेता हूँ मैं आपको ये बता दूँ और स्क्रीनिंग जनरली पचपन साल के बाद ये टेस्ट की स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए पचास से पचपन साल के बाद ठीक है और अगर आपका बॉर्डर लाइन फोर्ड पी एस ए आता है चार से दस के बीच में है, तो फ्री पी एस ए जरूर करा के देखें ठीक है तो बस इतना ही बताना था कि पी एस ए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है डायग्नोस्टिक नहीं है और इतना घबराए मत अगर पी एस ए बढ़ा हुआ आ जाता है आपके डॉक्टर को ये बात आपको बताएगा कि पी एस ए बढ़ने का मतलब सिर्फ कैंसर ही नहीं होता और अच्छी बात यह है कि अगर पता भी चल जाए तो ज़्यादातर कैंसर बहुत स्लोली ग्रोइंग होते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं और बहुत बार कैंसर के बार जो इस तरह के कैंसर होते हैं जिसमें कोई सिम्टम भी नहीं होता कई बार कुछ भी नहीं करता ये भी मतलब प्रोस्टेटिक कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है तो दो तरह के कैंसर मैंने बताया प्रोस्टेट के जो बहुत जल्दी बढ़ते हैं और जो धीरे धीरे बढ़ते हैं तो जनरली जो है ज़्यादातर कैंसर प्रोस्टेट के वो धीरे धीरे बढ़ते हैं तो ये था एक पी के ऊपर एक वीडियो कि पी टेस्ट जरूर कराएं स्क्रीनिंग पचपन साल से अगर ज़्यादा उम्र है तो क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस जल्दी डायग्नोस कर लेंगे तो कैंसर ठीक हो सकता है बस यही इसका एक फ़ायदा है तो लेकिन अपने नाक कान दिमाग सब कुछ खुला रखें और पेशेंट को ये बताने से पहले कि तो ये कैंसर है डॉक्टर को सब चीज़ें देख लेनी चाहिए क्योंकि कई बार ये रिपोर्टें मैंने देखी है कि लैब टू लैब भी वेरी करती हैं और टाइम के साथ भी वैरी करती हैं तो उसको रिपीट करें पंद्रह दिन के बाद कोई एंटीबायोटिक का कोर्स कराने के बाद अगर सिम्टम कुछ लग रहे हैं आपको कि प्रोस्टेट का कैंस इन्फेक्शन हो सकता है यूरिन का इन्फेक्शन में भी ये बढ़ सकता है तो पहले इन्फेक्शन या उसके सूजन वगैरह कम कर लें और साथ में फ्री पी एस करा लें और एक सर्जन की ओपिनियन भी ले लें जो परैक्टल एग्जामिनेशन अच्छे ढंग से उसका कर दें तो इतना छोटा सा एक वीडियो था अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आज मैंने बहुत सीरियस होकर ये टॉपिक बनाया है और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पी वैल्यू का बहुत जल्दी ज़्यादा बढ़ना अगर आप कैंसर में ट्रीटमेंट चल रहा है तो वहाँ से भी पता चलता है कि क्या पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है तो पी टेस्ट करा के वहाँ से पता भी लगा सकते हैं कि पी लेवल अगर कम हो गया तो इसका मतलब पेशेंट एंड कीमोथरेपी या दूसरी जो थेरेपीज़ हैं उनको रिस्पोंड कर रहा है तो यहाँ से भी एक फ़ायदा ये भी है ट्रीटमेंट में भी आपको फ़ायदा मिलता है पी लेवल से थैंक यू वेरी मच आपका मोना भाई एम ठीक है